नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से डिप्लोमा होल्डर्स पर। आज के इस वीडियो में हम अलग अलग कंपनीज़ में डिप्लोमा और बीबीटेक सिविल इंजीनियर्स के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है उनके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर ना तो कोई आपका एग्ज़ाम होना है, ना ही आपकी कोई एग्ज़ाम फीस लगने वाली है, तो आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ये सारी जानकारी हम आगे के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और आप प्रीमियम टाइप जॉब्स के लिए हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन होकर रह सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहली वैकेंसी आपकी आई हुई है IES इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। ये आपकी एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी है, बिलिंग इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर और सर्वेयर के लिए। अगर आप इनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें आपके जॉब डिस्क्रिप्शन की, तो आपकी पोस्ट जो रहने वाली है बिलिंग इंजीनियर की, तो यहाँ पर आपका काम जो है क्लाइंट और सब कॉन्ट्रैक्टर के जो बिल होंगे वो आपको तैयार करने हैं। प्लानिंग के लिए नॉलेज ऑफ प्राइमवीरा एंड MSP इज ए मस्ट। नेक्स्ट बात करें हम सर्वेयर के लिए, तो यहाँ पर सर्वेयर को जो है ऑटोकैड का नॉलेज होना चाहिए और इसके साथ साथ ही उसे टोटल स्टेशन और ऑटो लेवल ऑपरेट करना आना चाहिए। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में आपसे डिप्लोमा मांगा गया है इन सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास BBTech होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। बात करते हैं एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पर BBTech वालों से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और डिप्लोमा वालों से यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहेगी, क्योंकि इनके प्रोजेक्ट जो है ऑल ओवर इंडिया में चलते हैं। अगर हम बात करें कि आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको अपना जो है एक अपडेटेड CV इनकी इस ऑफिशियल मेल पर भेज देना है। सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के माध्यम से होने वाला है। ये जॉब्स थी आपकी AIS इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली वैकेंसीज आपकी आई हुई हैं नायक निवारे डेवलपर्स की तरफ से। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए 2 वैकेंसी, सीनियर इंजीनियर के लिए 7 वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर्स के लिए 6 वैकेंसी, साइट सुपरवाइजर के लिए 6 वैकेंसी, क्वालिटी इंचार्ज के लिए 1 वैकेंसी, क्वालिटी असिस्टेंट के लिए 1 वैकेंसी और प्लानिंग एंड बिलिंग इंजीनियर के लिए यहाँ पर 1 वैकेंसी है। अगर आप इन जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, तो आप इनके लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर नीचे आपको एक जीमेल दे रखी है seetal.joshi@nayaknevare.com। इस पर आपको अपना अपडेटेड CV सेंड कर देना है। यहाँ पर फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों के लिए वैकेंसी है। सिविल इंजीनियर्स के लिए अगली रिक्रूटमेंट आई हुई है LGM प्रॉपर्टीज़ की तरफ से। यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर, एस्टीमेट इंजीनियर और सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी है। प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बताया गया है यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपकी सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है मिनिमम 5 साल का। अगली पोस्ट है आपकी एस्टीमेट इंजीनियर की। यहाँ पर आपको जो है एस्टीमेट से संबंधित एक्सपीरियंस होना चाहिए। सुपरवाइजर के लिए आपका डिप्लोमा मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में और आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी के साथ इन्होंने यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कराया है। नीचे इनकी ऑफिशियल मेल है, आपको अपना अपडेटेड CV इनकी मेल पर भेज देना है। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिलेगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।